गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द न्यू व्लॉग। टुडे सैटरडे और आज ऑफिस का दिन है, छुट्टी नहीं है आज सैटरडे को। और मैं उठ गया हूँ, किचन में आ गया हूँ, बना रहा हूँ अपनी ब्लैक कॉफी और उसके बाद जाऊँगा अपनी एडिटिंग टेबल पे, कल का व्लॉग एडिट करूँगा। सुबह के बज रहे हैं 7:45, दिन निकल आया है, रोशनी आ गई है, नीचे जो मंदिर है उसके भी गेट्स खुल गए हैं, आसमान साफ है, ज़्यादा कुछ स्मोक फॉग का किस्सा नहीं दिख रहा है, अभी तो नहीं दिख रहा है, आगे का पता नहीं। एक प्रॉब्लम और हो गई है, आई हैव अ सोर थ्रोट, अभी नमक और गर्म पानी डाल के कुछ गार्गल किया है, तो थोड़ी सी शायद आवाज़ है वो कम निकल रही हो या अजीब आ रही हो, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन ठीक हो जाएगा। गर्म पानी और नमक डाल के गार्गल किया है, दैट इज़ इफेक्टिव, हर बार काम आता है ये। अभी फिलहाल ब्लैक कॉफ़ी और फिर एडिटिंग टेबल पर जाके कल का ब्लॉग एडिट। Inches later. ये देखो भाई, गर्मा गर्म चाय मिल गई, अदरक वाली। शिल्पी ने अभी मेरे को चाय ला के दी, गर्मा गर्म मसाला टी, बहुत सारा जिंजर वगैरह डाल के, क्योंकि मैंने जैसे आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि गले में खराश है, आई हैव अ सोर थ्रोट, तो ये प्रॉब्लम बढ़ ना जाए इसीलिए नाश्ते के पहले मसाला टी भी दे दी, ताकि थोड़ा सा कुछ ना राहत मिल जाए। अभी तो भाई एडिटिंग चली रही है, बट आई थिंक कि इसको यहाँ पे स्टॉप करना पड़ेगा, क्योंकि नहाने वहाने का टाइम हो रहा है, ऑफिस जाने का टाइम हो रहा है। आज थोड़ा सा उठ भी नहीं पाया जल्दी इस गले की वजह से, मतलब थोड़ा अजीब सा लग रहा था सुबह में जल्दी। कोई बात नहीं, छूट जाती है तो अभी यहीं पे हॉल्ट कर देंगे, शाम को आके निपटाएंगे, देख लेते हैं जैसा होता है वैसा करते हैं, अभी फिलहाल तो मसाला टी पीने दो, गले में आराम मिलेगा। तो भाई मैं नहा धो के रेडी हो गया हूँ ऑफिस जाने के लिए। ब्रेकफास्ट में आज है मेरे पास दूध और कॉर्नफ्लेक्स, क्योंकि गरम गरम दूध और कॉर्नफ्लेक्स खाऊंगा ना तो गले में थोड़ी सेक पहुंचेगी, जो दिक्कत हुई ना सोर थ्रोट की वो सही हो जाएगी। और रॉकी को अभी शैतानी का पनिशमेंट मिला है, उसको बालकनी में हम लोगों ने बंद कर दिया है बाहर, क्योंकि उसने जानबूझ के घर के अंदर पॉटी करी है, थोड़ा सा उसको सबक सिखाना भी बनता है। तो बस चलो जल्दी से मैं नाश्ता करता हूँ, ऑफिस के लिए निकलता हूँ, मिलते हैं आप लोगों से ऑफिस में। जब मैं एडिटिंग खत्म कर लूँगा ना तब मैं आप लोग को बताता हूँ एक बार। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं ऑफिस से वापस आ गया और जस्ट अभी मैंने व्लॉग की एडिटिंग खत्म करके उसको रेंडर पे लगा दिया है, थोड़ी देर में बस ये रेंडर हो जाएगा फिर इसे अपलोडिंग पे लगा देंगे। ये वाला व्लॉग सच में बहुत लेट से आ रहा है, मतलब एडिटिंग में टाइम लग गया और इस वजह से ये लेट हो गया। उड़द की दाल डिनर में, उड़द की दाल है तो आज डिनर में उड़द की दाल और चावल है, ठीक है, मुझे पसंद नहीं उड़द की दाल, लेकिन व्हाट टू डू, अब जो है सो है। चावल में आई थिंक लौंग पड़ी है ना, लौंग वाले चावल सही है, चलेगा इतना। ओगी हर बार की तरह इधर ही नीचे बैठा हुआ है किचन में, जैसे वो बैठा रहता है खाना बनते टाइम। ओगी तुझे भी चाहिए कुछ? और हमारे ये प्लांट्स देखो, ये वाला थोड़ा सा कम हो रहा है, कोई बात नहीं, बाकी सब तो आ रहे हैं अच्छे से। आई गेस ये तीनों ग्रीन बॉटल्स वाले तो काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहे हैं, ये वाइट वाला बॉटल उतना बेटर नहीं कर रहा है और ये भी उतना नहीं कर रहा है, ठीक है जो भी है, धीरे धीरे सब ग्रो कर ही जाएगा। भूख लग रही है यार बहुत ज़्यादा, लेकिन तो अभी रोटियां बनना बाकी हैं, तो ऐसा करते हैं कि शिल्पी बेल देती है और मैं रोटी सेक लेता हूँ, क्यों चलेगा? थोड़ा हंस के बोल लिया करो बाबा। हाँ वेरी गुड, दैट्स लाइक अ गुड बॉय। Moments later. ये देखो शिल्पी को कसरत करते हुए, निकालो निकालो, रुको मैं उधर आ जाऊं क्या? तो हाँ यही वाला निकालो निकालो, थोड़ा हैवी होगा, हाँ निकालो, इसमें से तीन होंगे, इसमें पूरा पहले उस हैंगर सहित बाहर निकालो। एक्चुअली कल क्या ना, एक शादी में जाना है दिल्ली, तो उसकी कुछ प्रिपरेशन हो रही हैं, लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन, क्या कर सकते हैं। नीचे वाला, नीचे वाला, हाँ ये तो समर कोट है, ये विंटर्स कोट है, तो हैंगर भी चाहिए। हाँ जी राइट, मैं निकाल ये ले लेते हैं या ये बड़ा वाला ले लें, दूसरा कोई व्हाटएवर व्हिचएवर डज द पर्पस, कोई भी ले लो यार। अभी फिलहाल तो ये मैंने ब्लेजर निकाल लिया है, ये वो ब्लेजर है जो मैंने आयुष की शादी में पहना था। ऑगी ए प्लीज उसके पास से हटा दो यार, वो चबाने लगेगा। नो तो अब इस ब्लेजर को आयरन करने की बारी है, तो आयरन टेबल लेके आ गए इस वाले रूम में, अब इसको आयरन कर लेंगे। थोड़ा इसको हल्का आयरन करना होता है, टाइट आयरन करना होता है? चलो ठीक है, टाइट ही कर देते हैं, क्योंकि इसका कपड़ा मोटा है ना, तो ये हो जाएगा ऐसे, चलेगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेंड्स
कल के इवेंट के लिए पैकिंग वगैरह हो गई है, जो भी कपड़े आयन करने थे वो भी आयन करके बैग में रख दिए गए हैं। अभी बहुत ज्यादा लेट हो गया है टाइम, देखो आप लोग रात के 12 बज गए हैं, ऑलमोस्ट 12, 15-20 मिनट बाकी हैं। बहुत ज्यादा आजकल अनइवन टाइमिंग हो जा रहा है, मतलब बहुत ज्यादा हेक्टिक सी चीजें चल रही हैं, बट ठीक है यार, क्या कर सकते हैं, जब जो चीजें आती हैं जैसे जैसे वैसे अपने को भाई उसको फेस करना पड़ता है, कुछ कर तो सकते नहीं है ना। तो आई थिंक इस व्लॉग को इधर एंड करते हैं, और यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो को देखा हो तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जल्दी एक रोड ट्रिप प्लान होने वाली है, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, लिव टुडे एंड लव टुमारो, बाय।